138 जगहों पर वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल। साल के अंत तक वैक्सीन मिलने की जगी उम्मीद। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर कंपनियों की ओर से हो रहे दावों के बावजूद पूरी स्थिति इस साल के अंत या अगले साल जनवरी में ही साफ हो पाएगी। फाइजर और मॉडर्ना ने अपनी अपनी वैक्सीन के 94.5 और 95% कारगर होने के दावे फिलहाल आंकड़ों के अंतरिम विश्लेषण पर आधारित हैं और अंतिम रिपोर्ट्स के आने में अभी वक्त है। मौजूदा वक्त में भारत की निगाहें जिन दो वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड पर सबसे ज्यादा हैं, उनका अगले महीने फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने जा रहा है। कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी, ये ऐसा सवाल है जो 2020 में अमूमन हर किसी की जुबान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो दुनिया भर में भारत समेत 170 से ज्यादा जगहों पर वैक्सीन तैयार करने की कोशिश चल रही है। इन 170 में से 138 जगहों पर वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल फेज में है। कुछ जगह पर वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फेज में पहुंच गई है। 25 वैक्सीन ऐसी हैं जो फेज 1 ट्रायल में है। 15 वैक्सीन फेज 2 ट्रायल में है, जबकि 7 जगह ऐसी हैं जहां वैक्सीन ट्रायल के अंतिम चरण में है। An Academy. Let's crack it. Hello everyone. My name is Amit Todha. I'm an IPS officer, presently holding the rank of an Inspector General of Police. It's my pleasure to be a part of An Academy CSE Mentorship Workshop in association with the Hindu Group. I'll be coming live at 7 p.m. on 21st November. I'll be talking about my journey as an IPS officer, the challenges I faced as a police officer, and I'm very eager to have a wonderful interaction with all of you. I'm looking forward to talking to all of you very soon. For any further information, you can always log in to anacademy.com. Thank you so much. पहली वैक्सीन को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी दवा कंपनी में से एक फाइजर और बायोएनटेक ने 9 नवंबर 2020 को दावा किया था। कंपनी का कहना था कि कोरोना की पहली वैक्सीन संक्रमण को रोक पाने में लगभग पूरी तरह से कारगर है। नवंबर के अंत तक कंपनी इसके इस्तेमाल को लेकर आवेदन कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वैक्सीन का 6 देशों के 43,500 लोगों पर ट्रायल किया जा चुका है। भारत की बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी जनवरी 2021 में वैक्सीन आने की उम्मीद जताई है। साथ ही कहा था कि 1.5 साल में दुनिया को कोरोना से निजात मिल सकती है। भारत में भी 2 स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना के वैक्सीन मिलने में 3 से 4 महीने लगने की बात कही है। देश में कुल 7 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग चरण में है। इनमें 5 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल और 2 प्री क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में हैं। इनमें ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन सबसे आगे है। दोनों वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा है। इनमें भी कोविशील्ड का फेज 3 ट्रायल ब्रिटेन ब्राजील समेत कई देशों में एक साथ चल रहा है। इन दोनों वैक्सीन का फेज 3 का ट्रायल दिसंबर में पूरा हो जाएगा। भारत को मिलेगी फाइजर मॉडर्ना की वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन से भारत को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। इन दोनों वैक्सीन में सबसे बड़ी बाधा ये है कि इनका भारत में क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है। ऐसे में सामान्य रूप से ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से इसके भारत में इस्तेमाल की अनुमति मिलना मुश्किल है। यही नहीं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो दवा के मामले में कई शर्तों के साथ इमरजेंसी उपयोग की अनुमति तो दी जा सकती है, लेकिन वैक्सीन के मामले में नहीं। वैसे कुछ दिन पहले नीति आयोग के सदस्य और वैक्सीन पर गठित उच्चाधिकार ग्रुप के प्रमुख डॉक्टर वी के पॉल ने दावा किया था कि कोई भी संप्रभु राज्य अपने नागरिकों की रक्षा के लिए देश में ट्रायल हुए बिना किसी भी वैक्सीन के इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दे सकती है। हालांकि ऐसी स्थिति में विवाद की गुंजाइश नहीं है। भारत को किन वैक्सीन से ज्यादा उम्मीदें? भारत में कई वैक्सीन के डेवलपमेंट पर नजर रखी जा रही है। इनमें से एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने करार किया है, जबकि कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर बनाया है। फाइजर, नोवावैक्स और मॉडर्ना को छोड़कर बाकी सभी वैक्सीन के ट्रायल भारत में हो रहे हैं। भारत को ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। सीरम की एस्ट्राजेनेका के साथ 1 बिलियन डोज सप्लाई करने की पार्टनरशिप हुई है। वैक्सीन के अंतरिम नतीजे जल्द आने वाले हैं। अगर अंतरिम नतीजों में वैक्सीन सफल रही तो इसी साल के आखिर तक इमरजेंसी में उपलब्ध हो सकती है।
आम जनता के लिए वैक्सीन के अगले साल पहली तिमाही में आने की संभावना है। इस वैक्सीन की सटीक कीमत का खुलासा सीरम इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है, मगर कंपनी के सीईओ अदार पूनावाला कह चुके हैं कि ये वैक्सीन बेहद किफायती होगी। कुछ अनुमानों में इसके एक डोज की कीमत 225 रुपए रखे जाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं है। दरअसल वैक्सीन भारत के लिहाज से मुफीद है, स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन ही चाहिए जो भारत के पास मौजूद है। एस्ट्राजेनेका का टीका अगर सफल होता है तो सबसे बड़ी चुनौती इसकी अरबों डोज तैयार करना होगा, जबकि फाइजर के साथ भारत की कोई डील नहीं हुई है। अगर किसी भारतीय दवा कंपनी से फाइजर डील करती है या खुद ही मार्केट में उतरती है तो ये देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में फाइजर $20 में वैक्सीन की एक डोज दे रही है, यानी करीब 1,500 रुपए। भारत में वैक्सीन की एक डोज 2,000 रुपए के आसपास हो सकती है, लेकिन फाइजर की वैक्सीन को देश में उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसे स्टोर करने के लिए पूरे भारत में -70 डिग्री सेल्सियस की सुपर कोल्ड चेन तैयार करना होगा, जो काफी मुश्किल काम है।